मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जो आज के ब्लॉग की शुरुआत है वो हो रही है सुबह के 9 बजे, और बच्चे चले गए स्कूल और मैं बैठी थी बाहर यहाँ पे और पी रही थी अभी चाय का कप, और चाय मैंने पी ली है। और कल है एक्चुअली करवा चौथ, तो आज लगनी है हाथों पर मेहंदी। तो अभी सस्पेंस ये बना है कि मेहंदी कहाँ पर लगाई जाए, है ना। और देखते हैं, मैंने किसी को बोला है अगर घर पे आ जाते हैं लगाने के लिए फिर तो ठीक है, है ना, मेरा भी काम हो जाएगा। अगर नहीं आए तो मेरे को जाना पड़ेगा मार्केट, और मार्केट में आज इतनी भीड़ होगी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे यहाँ से मतलब कार लेके जाना पड़ता है, तो अगर मतलब ऑटो में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे यहाँ से थोड़ा सा ना दूर पड़ता है, तो ऑटो बाहर जाके मिलता है। तो अगर मैं कार लेके जाती हूँ तो फिर ना आते हो ड्राइव कैसे करना, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मेरे को। तो इसलिए मैंने ना आज सोचा था किसी को घर पे ही बुलाती। बोला तो है मैंने कि घर पे आ जाएं, तो अभी देखती हूँ वो आते हैं घर पे या नहीं आते हैं, उनका कुछ पक्का नहीं है आने का, तो देखते हैं क्या होता है। और आज लगाऊंगी मैं अपने हाथों पे सुंदर 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 सी मेहंदी, ठीक है। तो कल का ना मतलब परस कब आई मैं घर से, परसों मैं घर से आई ना डैडी को देख के आई, तो कल ना कल भी मन ऐसे ऐसे मतलब डिस्टर्ब सा ही था, क्योंकि आपका ना फिजिकली तो आप पहुंच गए होते हैं पर लेकिन मेंटली आप वहीं होते हैं और वही दिख रहा होते हैं, मतलब सब कुछ वही दिख रहा होता है, वहाँ का जो माहौल होता है वो सारी चीज़ें पापा दिख रहे होते हैं, तो वो ना दिमाग ठिकाने पे नहीं होता। तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि शैली इतना मत कर, है ना, ठीक। तो मैं रोए जा रही थी, तो मेरे को समझा रही थी कि रोने से कुछ नहीं होगा बेटा, तो ये चीज़ें मत करो और ना थोड़ा सा बाहर निकल, तेरे को अच्छा लगेगा। और लाइफ है तो लाइफ में सबके साथ ही ऐसा होता है, तो इतना मत कर कि मतलब अपने बच्चों को देख, अपने आप को देख, है ना, तो तेरे को कौन संभालेगा। तो वो सारी चीज़ें समझा रही थी। तो कल के ऐसे होता है कि मतलब मैं ऐसे मतलब मैं ऐसे रात को सो भी रही होती हूँ, आंखें बंद होती हैं, तो आंखों से ऐसे बंद आंखों से भी ना आंसू निकलते हैं, पता नहीं क्यों। तो कल भी रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इतना सर दर्द था, दवाई खा के भी मतलब आराम नहीं आ रहा था, अपने आप को कोशिश कर रही थी कि ठीक रखूं, पर वही बार बार पापा की याद कि बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, तो वो बस दिमाग में बातें घूमती रहती हैं। बट कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा बाहर निकलूँ और मतलब थोड़ा दिमाग सही हो, तो कोशिश कर रही हूँ कि अभी जो भी होता है मतलब थोड़ा सा मार्केट जाऊँ, बाहर निकलूँ और थोड़ा सा मूड चेंज हो, है ना। कल करवा चौथ है तो अच्छे से हो जाए सारी चीज़ें। Hey guys, तो आप देख सकते हो मैं हो चुकी हूँ रेडी। क्यों हुई हूँ आज, क्योंकि आज ना वो मेहंदी लगानी है ना, तो मैं क्या ऐसे ही क्यों लगानी, मतलब मेहंदी अच्छा सा कलर लगा लेती हूँ ना, रेड कलर, तो ये मेरा फेवरेट है, आपको जैसा पता ही है रेड मेरा फेवरेट है। और ये ना सूट भी एक्चुअली बहुत फेवरेट वाला है, बहुत फीलिंग्स हैं सूट में, और इसलिए मैंने ये आज लगाया है। तो मैं क्या अभी लगाऊंगी मैं मेहंदी, तो भैया जिनको बुलाया था ना तो आने ही वाले हैं, जस्ट अभी उनका कॉल आया था कि मैम थोड़ा सा लेट हो गया, तो अभी आ रहे हैं। मैं क्या ठीक है आ जाओ, तो मेरे को ना कमेंट सेक्शन में जाके आप बताना कि ये सूट आपको कैसा लग रहा है। ये सूट एक्चुअली ना मेरे को बहुत 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 प्यारा है, इस सूट के साथ ना बहुत सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इसीलिए मैं इसको ना स्पेशली आज के दिन पक्का पहनती हूँ। तो ये सूट है और ये मैं हूँ और लगने वाली है हाथों में मेहंदी, तो जब लग जाएगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसी लगी, और मेरे को आप बताना कि कैसी मेहंदी लगी है, ठीक है। तो अभी मैंने चूड़ियाँ थी हाथ में और वो निकाल दी अभी,
चूड़ियाँ निकाल दी मैंने, दोनों हाथ में निकाल दी है, देख सकते हैं, देखो दिख रहा आपको कैमरे में दोनों, तो दोनों हाथ की चूड़ियाँ निकाल दी मैं, क्या अच्छे से लगाऊंगी और पैरों में भी लगाऊंगी, और कल की ड्रेस भी कुछ ऐसी ऐसी है, रेड 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 सी है कुछ, तो कल आप देख ही लोगे कैसी लगूंगी मैं उसमें, ठीक है। और ये है मेरा आज का आउटफिट, तो कैसा लग रहा है मेरे को ज़रूर बताना, और आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मेरे रील्स कैसी लगती है। तो मैंने सोचा कि अभी तैयार हुई हूँ मैं, तो मैंने एक दो ना रील्स भी बना दी फिर, और तो फिर एक दो रील्स भी बना ली मैं, क्या रील्स भी बना लेती हूँ फटाफट। और आज उसके बाद मेरे को जाना शाम के टाइम थोड़ा सा मार्केट, सीटी आ गई, मैं पहले गैस बंद कर लूँ नहीं तो चावल जल जाएंगे, चावल जल जाएंगे। तो ना आज मेरे को जाना है थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि ना मैं घर चली गई थी ना, तो मैं ना सामान लाना था कुछ, तो वो ला नहीं पाई हूँ। तो मेरे को होता है कि जो करवा चौथ का फास्ट है वो अच्छे से होना चाहिए, मतलब प्रॉपर वे में, है ना, चाहे अंदर जितने मर्जी दुखे हैं आपके, लेकिन अच्छे से करना होता है करवा चौथ को। तो अभी कर रही हूँ मैं, भैया लोगों का वेट, आ रहे हैं वो, तो देखते हैं कैसी मेहंदी लगाते, फर्स्ट टाइम ही लगाऊंगी मैं उनसे, तो देखते हैं कैसी लगाते, सुना तो है कि अच्छी लगाते हैं वो मेहंदी, देखो अभी कैसी लगती है और कैसी नहीं लगती। एक ना मैंने व्लॉग डाला था, आई थिंक आपने देखा होगा, जिसमें राधा और कृष्ण बने थे ना, मैंने डांस इसमें डाला था राधा कृष्ण का, जो राधा बनी थी ना वही भैया मेहंदी लगाते हैं, तो वही आ रहे मेरे पास अभी मेहंदी लगाने के लिए, तो अगर वो व्लॉग में आना चाहें तो मैं पक्का मिलाऊंगी आपको उनके साथ, ठीक है। तो बहुत अच्छे वाला डांस करते हैं वो, और सुना है कि मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाते हैं, तो देखते हैं अभी जब लगेगी तभी पता चलेगा। तो ठीक है गाइज, अभी लगा लेती मेहंदी और दिखाती हूँ आपको कैसी लगती है फिर मेहंदी मेरे हाथों में, और आप भी बताना कि कैसी लगी है, ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय। हे हेलो गाइज, तो मेहंदी लग चुकी है मेरे हाथों में, और कैसी लग रही है, सुंदर लग रही है ना, कहाँ गया हाथ, कैसे करूँ अब ऐसे करके देखो इस हाथ में है, और अरे इस हाथ में कैसी लग रही है कमेंट्स करके बताना, ठीक है। नाम दिख रहा है, दिख रहा है नाम मेहंदी में कहीं पे, अरे नहीं दिख रहा मेहंदी पे नाम नहीं दिख रहा आपको, इतना बड़ा बड़ा लिखा है मैंने। तो ठीक है गाइस, मेरे को बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी, ठीक है, मैंने पैर में भी लगाई है, मैं भी दिखाती हूँ कि पैर में कैसी लगी है। तो गाइस ये रही मेरे पैरों की मेहंदी, कैसी लग रही है, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है, सिंपल सोबर सी और सुंदर सी, है ना, और मैट का डिज़ाइन और ये सेम सेम नहीं लग रहा, हाँ ना लग रहा आपको, देखना मैट का डिजाइन और जो पैरों की मेहंदी का डिजाइन है वो सेम सेम लग रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा, ये वाला हाँ, 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 ना हाँ, ये वाला अंदर वाला और ये वाला सेम लग रहा है, हाँ, तो सेम सेम ही लग रहा है, तो कमेंट्स में बताइएगा आपको लग रहा है सेम सेम कि नहीं लग रहा, बताना मेरे को, ठीक है। तो भैया आ गए हैं, मेरी मेहंदी लग चुकी है, भैया ने लगा दी है, और अभी ये ममता की बारी, और मैं बता दूं ये कौन से भैया हैं, मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें ना राधा और कृष्ण का डांस था, है ना, तो जो राधा बनी थी ना वो ये भैया थे, और मैं ना साथ में ना राधा वाली जो फोटो है ना वो भी डाल दूंगी, तो आप देखना कि मतलब टैलेंट इतने ना मतलब कूट कूट के भरा इनमें ना, इतना डांस इतने अच्छे से करते हैं, तो मैं एक क्लिप डालूंगी आप पक्का देखना इनको ना, और मेहंदी भी देखो कितने अच्छे से लगा देते, पूरा मेकअप कर लेते हैं, और डांस तो माशाल्लाह बहुत ही, हाँ बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो ठीक है अभी जो भी है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे हाथ तो अभी तभी अच्छी लगी जब ना निकल के मेहंदी लगवानी हो तो इनसे संपर्क करें संपर्क करें भैया से, इनकी मेहंदी भी लगाते हैं ये, हाँ सारी मेहंदियाँ लगाते हैं, देखो मन खुश हो गया कैसे, हेलो कर दो भैया
गाइस मेहंदी हो चुकी है, देखो लग चुकी है। और ना भी ना इतना इसमें रंग नहीं आया सुबह तक, ना आ जाएगा मतलब ना जब लगती है इतना डार्क नहीं दिखता, फिर सुबह तक अगले दिन तक ठीक हो जाती है। तो मेहंदी का हो गया काम सारा डन। और ना आज मैंने ना पायल भी पहन ली है, पता है, पायल भी पहन ली है पैरों में, छन 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 छन। तो चूड़ियाँ भी पहन ली है वाली। और वैसे तो कल ही होता है फास्ट, लेकिन ये होता है ना कि आज जैसे लेडीज आना शुरू हो जाती हैं, वो सर्गी टाइप देना होता है ना, तो कुछ कुछ मैं तो कल ही देती हूँ, बट कुछ जो होती हैं वो मतलब आज ही शुरू हो जाता है उनका, वो शाम को दे जाती हैं, बट मैं कल देती हूँ। तो मैं तैयार भी मतलब अच्छे से कर ली होती हूँ, आज तो मतलब ऐसे जाती हूँ। तो ये वाली चूड़ियाँ पहननी मैंने भी, और कल पहनूंगी डार्क डार्क सी है ना, रेड रेड सी है वो, कल पहनूंगी उनको। और आज कुछ ज़्यादा है नहीं, आज बस ऐसे ही दिन का ना, पूरे दिन का ही नहीं पता चला, आज पूरा दिन कहाँ निकल गया कोई पता ही नहीं। मैं बोलूँ मेरा फास्ट तो आज ही हो गया। आज मैंने ना ब्रेकफास्ट किया, मैंने सुबह ना चाय पी थी 7:30 ना एक कप चाय पिया था मैंने। और उसके बाद मैं पता नहीं ऐसे कामों में व्यस्त हो गई, और ना मेरे को ना नाश्ते का याद ही नहीं था कि मेरे को ब्रेकफास्ट भी करना है। फिर लंच भी बना दिया मैंने, तो ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं था। फिर जब लंच बनाया तो फिर उस टाइम भैया आ गए थे मेहंदी वाले, फिर मेहंदी लगाने में बिजी हो गई, फिर मेरे को याद ही नहीं था कि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया ना लंच किया। और 3:30 बजे ना, मैं बोलूँ मेरे पेट में ना ऐसे अजीब सा क्यों हो रहा, और है ना, तो मैं याद किया भाई आज ना मैंने नाश्ता किया है ना मैंने लंच किया है, तो जलन ही होगी पेट में। फटाफट मैंने भी थोड़ा सा चावल खाए हो, तो मतलब ध्यान ही नहीं है कि मतलब खाना ही नहीं खाया। तो मैं क्या फास्ट तो कर लिया और आज भी फास्ट ही हो गया था, तो भी जस्ट मैंने 2-3 चम्मच वो चावल के खाए, क्योंकि वो बे टाइम हो जाता ना, तो खाना भी नहीं खाया जाता फिर। तो मैं क्या भी पीती हूँ, मैं चाय बनाती हूँ और चाय पीती हूँ, और छन 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 सुनाई दे रही है। मैं ना पायल वायल मेरे को पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है, तो ना ये हस्बैंड ने मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले ना खुद ही शॉप पे जाके, तो खुद ही ली थी उन्होंने, ये पसंद की थी, तो फिर तो यूनिक ही पसंद है, तो मैंने आज डाल ली है। हमने पता नहीं कहाँ ली थी, मेरे को नहीं याद, पता नहीं कहाँ से ली थी, ये नूरपुर से ली थी या कहाँ से ली थी, मेरे को याद नहीं है कहाँ से ली थी, ली तो थी कहीं से ये वाली पायल ना। अदरवाइज मेरी छन छन वाली, मैं पायल पहनूँ भी तो बिल्कुल सिंपल सोबर सी ना, जिसमें कोई छन छन ना हो, तो ये छन छन वाली ना फिर उन्होंने ली थी, तो मैं क्या पहन लेती हूँ आज इनको। तो अभी मैं बना लेती हूँ चाय ना, और उसके बाद मिलते हैं फिर, ठीक है। हे गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अभी इवनिंग वॉक के लिए, मैं और रंजना, और मैं क्या थोड़ी देर के लिए वॉक कर लेते हैं। लाल परियां बनी हुई हैं आज। मेरी भी डार्क हो रही है अभी, ये हो जाएगी सुबह तक ना मेहंदी मेरी, देखो। हाँ, रंजना की तो बिल्कुल डार्क से डार्क होगी, क्योंकि तूने कल लगा ली है इसलिए ना। नहीं तो ये साथ की आज है। अच्छा, आज लगाई है ये, ही साथ की है तो ये कल की है। ज्यादा प्यार करते हैं ना, ये चक्कर है। सही बात है। मेन मुद्दा ये है। तो मैंने बोला ये कल, ये आज लगाई है। तो मैं क्या थोड़ी देर ना वॉक कर, देख लोगों ने सारे घर सजा लिए, हमने कब सजाना होगा, बस ऐसे जाते हैं आजकल में हम भी। तो मैंने ना ये वाला सूट लगाया आज, और पायल भी पहन ली है। रंजना मेरे को बोल के गई थी कि आप क्यों नहीं पहन रही, और मेरी सिस्टर का फ़ोन भी आ गया कि पहन, तो मैं पहन लेती हूँ, पायल भी पहन लेती हूँ। तो कल है करवा चौथ का फास्ट, और सुबह हो जाएंगे अब रेडी। रात को ही प्रेस वेस करके सारी अभी करना रखना पड़ेगा सारा ही निकाल के, सुबह तो फिर ऐसे हौच पौच सा नहीं हो जाता। सही बात है, है ना। और लकीली कल ये है कि मतलब बच्चों को छुट्टी दी हुई है, थैंक गॉड। अदरवाइज ने तो सुबह उठने का बहुत ये होता है कि उनको भेजो, है ना, थोड़ा सा
हेक्टिक हो जाता हूँ। तो अब कलवा क्या था कल दिखेगा जलवा कलवा नहीं जलवा जलवा कल दिखेगा जलवा रंजना लाल परियों का रंजना का आपका भी मैं तो आज दिखा दी है लाल परी मैं कल पढ़ूंगी लाल परी कल रंजनाने की लाल परी आज मैं लाल परी बन गई हूँ कल थोड़ी नीली और लाल बनूंगी सही बात है है ना तो ठीक है गाइस आज के लिए काफी हो गया इतना ही है ना कल के लिए भी छोड़ देते हैं कुछ सस्पेंस छोड़ देते हैं कल के लिए तो कल आज के व्लॉग में भी बताना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं और कल के व्लॉग में भी खूब सारा अपना प्यार देना है ना और बताना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं तो ठीक है गाइस आज के कितनी जगमग हो गई इधर हाँ देख सारे कर लिए यार मैंने भी करना मैं कह जरा इससे फ्री हो जाऊँ ना करवा चौथ से फ्री हो जाए फिर दिवाली की तैयारियों में लगना है मेरी तो लाइट सी पता नहीं जल नहीं रही है कोई भी वो भी साथ छोड़ गई मैं कह लिया जी ग्रीपी ग्रीपी में आटा गिल्ला लाइट ही नहीं जल रही वो कैसे खर्चा करो जेब ढीली करो थोड़ी मतलब पिछले साल नहीं की नहीं ली इस साल जल नहीं रही है कि नहीं जल रही मसा नहीं जल रही मैं कह जी आप भी साथ छोड़ दो दुनिया छोड़ रही है आप भी पीछे रह जाओ आप ना पीछे रहो कोई बात नहीं ये दिखाओ कितना सुंदर व्यू लग रहा है ये देखो लोगों के घर सज गए हैं सवर गए हैं और हमारे सिर्फ हम ही सजे सवरे हैं हमारे घर नहीं सजे सवरे अभी कल से परसों से हमारे भी सज जाएंगे देखते हैं धीरे धीरे सजाते हैं है ना तो ठीक है गाइस अपने आप को तो संवार ले हाँ अपने आप को संवार ले घर किसने देखा है ना तो ठीक है गाइस आज के ब्लॉग का करते हैं हम यहीं पे एंड और मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए ओके बाय टेक केयर एंड गुड नाइट।